फाइनली फूट फूट कर रो पड़ी अकाशा सिंह, जिसके बाद प्रतीक सहजपाल ने दिया अपना कंधा और आखिरकार प्रतीक और अकाशा की बढ़ रही है नजदीकियां। तो क्या ये नई लव केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी बिग बॉस के घर में? क्या है पूरी खबर बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल गाइज, बेसिकली आपको बता दूँ कि बिग बॉस के घर में कपल्स पर कपल बनते जा रहे हैं। ऐसे में कभी आपने देखा ही होगा, शुरुआत हुए मायशा और ईशान के साथ एंड धीरे धीरे सबकी नज़दीकियाँ भी बढ़ रही हैं। और अब घर में हमें एक तरफ प्रतीक सहजपाल और अकाशा सिंह की बढ़ती नज़दीकियाँ देखने को मिली है, जहाँ अकाशा फूट फूट कर रोती हुई नजर आई, जहाँ पर बेसिकली उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया किसी वजह से, जिसके बाद प्रतीक सहजपाल उन्हें काफ़ी चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान प्रतीक सहजपाल पूरे टाइम अकाशा के साथ मौजूद थे, जिसके बाद आपको बता दूं कि इवन जब अकाशा को थोड़ा बेटर फील हुआ तो अकाशा के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए भी नजर आए हैं प्रतीक सहजपाल। तो ऐसे में इन दिनों हमें अकाशा और प्रतीक सहजपाल की इन बढ़ती हुई नज़दीकियों से ऐसा ज़रूर फील हो रहा है कि नई केमिस्ट्री हमें जल्द देखने को मिल सकती है, यानी लव इज़ इन द एयर और अकाशा और प्रतीक बन सकते हैं आने वाले समय में एक लवी डबी कपल। वैसे देखा जाए तो इससे पहले भी अकाशा ने फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी कि वो प्रतीक के लिए फील करती हैं, और यहाँ पर अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल रहा है प्रतीक के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का जो माजरा है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, एंड ऐसे में प्रतीक और अकाशा की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही हैं। तो होपफुली ये दोनों लवी डबी कपल हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। सो क्या कहना चाहेंगे आप अकाशा और प्रतीक की इन बढ़ती हुई नज़दीकियों को देखकर, जहां रोती हुई अकाशा को चुप कराते हुए भी नजर आए हैं प्रतीक? सो आप क्या कहना चाहेंगे एज इनकी केमिस्ट्री को देखकर, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। We'll be right back.